तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूँ राजवीर सागर और आपके लिए लेके आया हूँ मैं आज अभी इस वक्त जुपिटर यानी कि स्कूटी, एक्टिवा, एटर्नो, एटर्नो तो कुछ ज़्यादा हो गया, एक्टिवा, मेस्ट्रो और जितनी भी हमारी फोर स्ट्रोक स्कूटी होती हैं, ये जो मैं आपको टॉपिक 5 बताऊंगा इस सब में लागू होंगे। क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों ने मुझसे कहा था कि भाई आप स्कूटी केदारनाथ लेके गए थे राइड पर, आपने क्या क्या चेक किया अपनी स्कूटी में ताकि आप ले जा सके आराम से, और क्या क्या आपको परेशानी आई। तो परेशानी के बारे में तो नहीं, मैं आपको टॉपिक के बारे में बताऊंगा ताकि आपको परेशानी कोई आए ना। ओके, पांच से छह तरीके वैसे बताऊंगा जो आप अपनी गाड़ी के अंदर अप्लाई कर दोगे तो आप कहीं भी किसी भी जगह ले जा सकते हो बिंदास बिना किसी टेंशन के, बस जुनून होना चाहिए अंदर। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय आपका नहीं खराब करेंगे। मेरी वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा कि हाँ यार चल मेरी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आगे जाके मैं वीडियो भी और बनाता रहूँगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक है हमारा क्लच की बेल्ट। अगर आप गाड़ी को लंबे रूट पर ले जा रहे हो, काफ़ी लंबी दूरी तय कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ दिमाग में डालनी है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्लच की बेल्ट सही होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल के अंदर चेन सेट होता है, हम गाड़ी की सर्विस जब कराते हैं तो चेन को प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, अगर वो लूज़ हो जाती है तो उसको टाइट करते हैं, अगर वो खराब हो जाता है उसको चेंज कर देते हैं। तो ऐसे ही स्कूटी के अंदर चेन सेट का जो काम करती है वो करती है क्लच की बेल्ट। हमारी रबड़ की एक बेल्ट होती है इसके अंदर, वो बेल्ट काम करती है आपकी स्कूटी के अंदर चेन का काम। ठीक है, अगर आप कभी भी लंबी राइड पर ले जा रहे हो या कभी सर्विस कराने जा रहे हो तो क्लच की बेल्ट को जरूर से जरूर चेक कराएं, क्योंकि बेल्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है चेक कराना। जैसे कि आपने मेरी एक वीडियो में देखा हुआ है कि मैंने क्लच की बेल्ट किस तरीके से रास्ते में डलवाई थी हाईवे पर, बहुत ज़्यादा परेशानियों को साथ देखता हुआ था। मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे रास्ते में मैकेनिक मिल गया। बाई चांस रात बिरात हो आपको मैकेनिक ना मिले तो क्या करोगे। क्लच की बेल्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो क्लच खुले बिना नहीं डल सकती, और गाड़ी स्टार्ट तो होगी पर गाड़ी का व्हील पीछे का नहीं घूमेगा। वही सिस्टम बाइक वाला है, आगे गाड़ी स्टार्ट तो होगी पर चेन अगर टूट जाएगी तो पीछे का व्हील नहीं घूमेगा, और आपको पता ही है पीछे के व्हील से गाड़ी चलती है। तो क्लच की बेल्ट चेक कराना बहुत जरूरी है। क्लच की बेल्ट चेक कराने के लिए क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारी गाड़ी, मान लो हमने एक दूरी तय करी है लंबी दूरी, तो हम गाड़ी चलाएंगे और जब गाड़ी हमारी चलेगी और वो गाड़ी हीट होगी, जो गाड़ी हमारी हीट होती है तो उस हीटिंग की वजह से हमारी जो रबड़ का पार्ट है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो वहाँ पे बेल्ट टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको इसी वजह से अपनी गाड़ी के बेल्ट को चेक कराना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बता दी है। काफ़ी सर्विस सेंटरों के अंदर क्लच की बेल्ट को चेक करने का जो चार्ज है वो अलग है, और काफ़ी सर्विस सेंटर के अंदर क्लच की बेल्ट को चेक करने का चार्ज नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे सर्विस सेंटर में सर्विस चार्ज नहीं लगता है क्लच की बेल्ट को चेक करने का, अदरवाइज कुछ सामान बहुत सारा खुल रहा है तो उसका चार्ज अलग लग जाता है। अगर गाड़ी की क्लच की बेल्ट खराब होती है ऐसा कुछ होता है तो हम कस्टमर को बता देते हैं कि हाँ भाई आपकी गाड़ी में क्लच की बेल्ट खराब है, डालनी पड़ेगी। अगर आपको मेरे सर्विस सेंटर का एड्रेस नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, हर एक चीज़ उधर रखे। बिना अपॉइंटमेंट के मैं गाड़ी सर्विस नहीं करता हूँ, अपॉइंटमेंट लेके आओगे तभी सर्विस हो पाती है। तो ओके, उसके अलावा दूसरी टॉपिक पे हम बात करें आपकी गाड़ी की, जो एक व्हील शाफ्ट होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। आओ तो दोस्तों ये हमारा व्हील है और इस व्हील को घूम आप देख रहे हो ये घूम रहा है, पर आप एक चीज़ नोटिस करो, ये जो व्हील घूम रहा है इसे सिर्फ एक शाफ्ट के ऊपर घूम रहा है, वो ये वाली शाफ्ट। जब हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो हमें ये वाली शाफ्ट का बैरिंग चेक कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये वाली शाफ्ट का बैरिंग टूट जाएगा या फिर एक प्ले आ जाएगी, अगर बहुत बहुत माइनर प्ले भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है वो व्हील का बैरिंग चेंज कराना है। और उस व्हील को बैरिंग को चेंज कराने के लिए आपको गियर बॉक्स को खुलवाना पड़ेगा, क्लच को पूरा कंप्लीट खुलवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको व्हील बैरिंग ये वाला जो बैरिंग है डलेगा। इसके अलॉय व्हील के अंदर यहाँ पे बैरिंग नहीं होते हैं, इसके अंदर इंजन के अंदर बैरिंग होते हैं, वो आपको खुलवाने पड़ेंगे, उसमें थोड़ा सा खर्चा आता है। बट आपको मैकेनिक से स्पेशली कहना है कि भाई सर्विस के दौरान सारे व्हील बैरिंग को चेक कर लेना, कहीं मेरी गियरबॉक्स की व्हील बैरिंग में दिक्कत तो नहीं आ रही। क्योंकि गाड़ी जब बबलिंग करती है तो बबलिंग के दौरान भी इसकी व्हील बैरिंग की वजह से ही बबलिंग करती है, ज़्यादातर ऐसे करके हिल जाता है। अगर आपको लगता है साफर में ऐसे करके प्ले आ गई है या व्हील के अंदर ऐसे करके प्ले आ गई है, तो आपको ध्यान रखना है अपनी गाड़ी का आपको व्हील बैरिंग चेंज कराना है। व्हील बैरिंग अंदर से आपकी गाड़ी के शाफ्ट में एक बैरिंग होता है, सिर्फ एक बैरिंग, वो चेंज कराना है। और ये कब खराब होता है, क्यों खराब होता है बता देता हूँ मैं आपको। आओ ऊपर चलते हैं फेस के पास अपने। तो दोस्तों व्हील बैरिंग खराब कब होता है और क्यों और कैसे होता है, जब हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो हम इंजन ऑयल चेंज करा लेते हैं पर हम गियर बॉक्स में ऑयल नहीं डलवाते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो लापरवाही कर देते हैं, गियर बॉक्स ऑयल चेक ही नहीं करते हैं। और गियर बॉक्स ऑयल जो होता है वो अलग से डाला जाता है गाड़ी के अंदर, 100 से 150 ग्राम ऑयल डलता है गियर बॉक्स के अंदर। अगर वो गियर बॉक्स ऑयल नहीं होगा टाइम पर चेंज तो आपकी गाड़ी का गियर बॉक्स जो अंदर होता है वो ऑयल सूख जाएगा, और सूखने की वजह से बैरिंग सूखे चल जाएंगे, हमारी गाड़ी के इंजन में आवाज़ हमारी चेंज हो जाएगी इंजन की, और उसके अलावा आपकी गाड़ी के व्हील बैरिंग जो होता है मतलब पीछे के शाफ्ट के जो बैरिंग होते हैं उसे प्ले आ जाएगी, खराब हो जाएंगे वो बैरिंग। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमेशा सर्विस के अंदर गियर बॉक्स ऑयल को जरूर चेक कराना है, चेंज कराना है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, सर्विस में ही वो इधर उधर छोटा मोटा हो जाता है, मैनेज हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारी, दूसरी चीज़ जो कंप्लीट हो गई, तीसरी चीज़, जब भी आप लंबे रास्ते पर कहीं भी दूरी तय कर रहे हो तो अपनी एक चीज़ को आप ध्यान रखना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ फ्यूज बॉक्स होता है, इसके अंदर उस फ्यूज बॉक्स को
आपको देखना है और उसके साथ अलग से एक ब्लेड फ्यूज एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि कभी हमारी गाड़ी धचके वचके में जाती है ऑफ रोड राइड करते समय, तो हमारी गाड़ी में क्या होता है फ्यूज उड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं किसी वायर से वायर टच होने के लिए। तो पूरी गाड़ी के जो बॉडी होती है उसमें माइनस काम करता है, यानी कि ग्राउंड होता है। एक बैटरी के अंदर दो तार होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। जो माइनस वाला तार जो होता है वो एक्चुअली में पूरी गाड़ी की बॉडी में टच हो रखा होता है, और जो प्लस वाला तार होता है हमारी गाड़ी की मेन सप्लाई होती है, वहीं से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर बाइक का या स्कूटी का कोई सा भी तार हमारी बॉडी से टच हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी की फ्यूज की सप्लाई उड़ जाएगी। तो उस दौरान आपको क्या करना है, कभी लंबे रास्ते पर जाने से पहले एक फ्यूज एक्स्ट्रा लेके जरूर जाना है। अगर आपकी गाड़ी आपकी चाबी ऑन हो रही है और गाड़ी किक मारने में स्टार्ट हो रही है बट सेल्फ मारने पर स्टार्ट नहीं हो रही है, या हॉर्न नहीं काम कर रहा है, हॉर्न स्टार्ट करने पे भी ये सब चीज़ें काम करने पर बहुत लो बीम पे काम कर रही हैं, तो समझ जाओ आपकी गाड़ी के फ्यूज में प्रॉब्लम हो गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चौथी चीज, जब भी आप गाड़ी को लेके जा रहे हो लंबे रास्ते पर लंबी दूरी पर तय करने के लिए, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, सर्विस के अंदर आपको अपनी गाड़ी के बॉडी के जितने भी नट यहाँ के नट होते हैं ये सारे नट आपको टाइट कराने हैं टू जेड, क्योंकि इसमें क्या होता है ये प्लास्टिक के चाइनीज स्क्रू पे टाइट होते हैं, इसमें कोई लोहे की एक बोर नहीं होती चूड़ियाँ, सिर्फ एक चाइनीज स्क्रू होते हैं। जब गाड़ी हमारी चलती है तो ऑफ रोड राइडिंग के दौर पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से हमारी गाड़ी के जो पेच हैं वो लूज हो जाते हैं, और उस दौरान हमारी गाड़ी के पेच की लूज होने की वजह से अंदर के जो नक्के होते हैं वो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी सर्विस कराओ ये काम आपको जरूर कराना है सर्विस के दौरान, और ये काम एकदम फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं पेच टाइट करने के। ओके, उसके अलावा बात करते हैं आपकी गाड़ी के आगे की व्हील के बैरिंग की। अगर आपकी गाड़ी के आगे की डिस्क ब्रेक है तो आपको डिस्क पैड चेक कराने हैं, वो ऐसे ही चेक हो जाते हैं, सर्विस में चेक नहीं होता, मतलब सर्विस में उसके पैसे नहीं लगते हैं, ऐसे ही चेक हो जाते हैं। और आपकी गाड़ी के आगे की व्हील बैरिंग जरूर चेक कराने हैं, व्हील बैरिंग सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में चेक होते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी सर्विस में चेक होती है, इसमें कोई अलग से चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ चेक करने का चार्ज नहीं लगता है। अगर कोई पार्ट आप नया डलवा लेते हो तो बात अलग हो जाती है, पर चेक करने का चार्ज नहीं लगता है। सर्विस अगर आप करा रहे हो कोई सी भी स्कूटी है तो आपको ये सारी चीज़ें बिना बोले चेक करवानी है। अगर आपका मैकेनिक कोई बहाना मार रहा है या कोई फालतू की बातें बता रहा है तो समझ जाओ आपकी गाड़ी सही तरीके से सर्विस नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैकेनिक चेंज कर दो, क्योंकि उस मैकेनिक पे भरोसा करना समझदारी नहीं है। आपको लंबे रूट पे जाना है, लंबे रास्ते पे जाना है, रात को भी चलानी है, दिन को भी चलानी है स्कूटी अपनी, तो सही तरीके से सर्विस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपकी गाड़ी की सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपकी गाड़ी के वॉल क्लीनेंस। अगर गाड़ी हमारी लंबे रूट पर जाती है तो हमारी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर इंजन बात की जाए इंजन की, एक होता है मोटरसाइकिल का इंजन, एक होता है स्कूटी का इंजन, दोनों का इंजन फोर स्ट्रोक होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर हीट होने की बात की जाए, गर्म होने की इंजन की, तो हमारी गाड़ी अगर मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर चल रही है तो एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर हमारी गाड़ी का जो इंजन है 2% गर्म हो रहा होगा बाइक का इंजन। अगर वहीं हमारी स्कूटी 20 किलोमीटर चल रही है तो हमारी गाड़ी का जो इंजन है स्कूटी का वो 20% गर्म होता है, यानी कि हमारी गाड़ी स्कूटी का जो है इंजन बाइक के इंजन से ज़्यादा जल्दी गर्म होता है और ज़्यादा गर्म होता है। तो इस दौरान आपको कभी भी सर्विस करानी है तो अपनी गाड़ी के टैपिट और गाड़ी की ट्यूनिंग बहुत जरूरी होती है चेक कराना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गाड़ी लंबे रास्ते पर ले जा रहे हो और गाड़ी का इंजन हीट हो रहा है, अगर गाड़ी के आपके टैपिट सही तरीके से सेट नहीं किए गए हैं तो वहीं आपकी गाड़ी के टैपिट ज़्यादा टाइट हो जाएंगे और वाल्व खुल जाएंगे। जब वाल्व खुल जाते हैं तो आपकी गाड़ी में जो ब्लास्ट होता है मिक्सर, वो मिक्सर जो एयर होती है वो लीकेज होती है, और उस लीकेज होने की वजह से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, रास्ते में आपको धक्के मारने पड़ेंगे। तो आपको सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी का जो आपके वाल्व क्लीनेंस है वो जरूर से जरूर चेक कराने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको बता दी है। उसके अलावा बॉडी की जनरल चेकअप कराना है, जो आपको पता ही है, कॉमन सी बात है, अब उसके अलावा तो है नहीं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके बताना। और एक स्पार्क प्लग, ये तो गैर कॉमन सी बात है, आपको चेक कराना है, लोकल प्लग नहीं होना चाहिए। 10,000 किलोमीटर पर गाड़ी का स्पार्क प्लग चेंज कराना चाहिए। काफ़ी सारे कस्टमरों का ये कहना होता है कि भाई मेरी गाड़ी का प्लग सही काम कर रहा है, क्यों चेंज कर रहे हो? भाई आपको बता देता हूँ, आपकी गाड़ी का जो प्लग सही काम कर रहा है उसकी जो लाइफ होती है वो होती है 10,000 किलोमीटर। अगर आपकी गाड़ी का प्लग सही है तो भी चेंज कराओ, बेशक वो पुराना प्लग अपने पास रख लो संभाल के स्टेपनी के तौर पे, पर आप प्लग जरूर से जरूर चेंज कराओ, क्योंकि उससे क्या होता है उसकी जो एक क्षमता होती है, जो उसकी एक पावर होती है, वो बहुत धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में ब्लास्ट होने की परेशानी आने लगती है, मिसिंग की परेशानी लगती है, स्टार्टिंग की परेशानी आने लगती है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके बताना। अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे भी ऐसी वीडियो आने वाली है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियो आने लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।